बच्चों, हम रोज तैयार होते हैं, हम रोज अपना चेहरा आईने में कई बार देखते हैं। सबके घरों में जो आईना होता है वो समतल दर्पण होता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? देखिए बच्चों, मेरे सामने एक पेंसिल है और एक समतल दर्पण है। यदि मैं इस पेंसिल को इस दर्पण के सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं किसका प्रतिबिंब इस समतल दर्पण पर दिखाई दे रहा है, और ये प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये पेंसिल है, और ये प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बन रहा है जितनी दूरी पर मैंने पेंसिल को इसके सामने रखा है। ये प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब किसी वस्तु से टकरा कर आने वाली प्रकाश इस दर्पण से टकराती है और उसके बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है। इस वस्तु से आने वाली प्रकाश, उसे हम अपतित किरण कहते हैं, और इस दर्पण से टकरा कर जाने वाली प्रकाश को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों में क्या संबंध है, आइए हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। बच्चों, इस प्रयोग को करने के लिए हमने एक गोल डिश लिया है। आप देख सकते हैं बच्चों, इस गोल डिश में 0 अंश से लेकर 360 अंश तक का स्केल बना हुआ है, और हमारे पास है एक समतल दर्पण और एक लेजर लाइट और एक चांदा। अब इन सब की सहायता से हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में संबंध देखेंगे। बच्चों, अब इस लेजर की लाइट को मैं समतल दर्पण पर आपतित करती हूँ। आप देख सकते हैं ये लेजर की लाइट इस समतल दर्पण पर आपतित हो रही है और इसे टकरा कर परावर्तित हो रही है। इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण टकराकर वापस जा रही है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच पर, दोनों के कटान बिंदु पर आप देखेंगे एक रेखा बनी हुई है। यह रेखा इस समतल दर्पण पर 90 डिग्री पे है। इस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब मैं इस आपतित किरण को इस अभिलंब से 20 डिग्री पर रखती हूँ। देखते हैं हम परावर्तित किरण पर क्या परिवर्तन होता है। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ अभिलंब से आपतित किरण का कोण 20 डिग्री का है। 10 और 10 मिलाकर 20 अंश हुए। अब यहाँ पर हम देखेंगे परावर्तित किरण जो है वो भी 20 अंश का कोण बना रही है। यदि मैं इस आपतित किरण के कोण को बढ़ा दूं, अब मैंने 0 से 330 पे रखा है, मतलब यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। आपतन कोण 30 अंश का है, और परावर्तित कोण भी आप देख सकते हैं ये भी 30 अंश का है। मतलब परावर्तित किरण भी उतने ही कोण में परावर्तित हो रही है जितने कोण पर हमने आपतित किरण को रखा है। यदि मैं इस कोण को और बढ़ाऊँ, 40 डिग्री पर रखूँ, तो परावर्तित किरण भी 40 डिग्री पे ही परावर्तित होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों ही बराबर होते हैं। तो देखा बच्चों आपने, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर ही है। हम यदि आपतन कोण को परिवर्तित करते हैं तो परावर्तन कोण भी उतने ही मान से परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर हैं, और यही परावर्तन का पहला नियम है। और आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। और पता है, और यही परावर्तन का दूसरा नियम है। इस प्रकार इस प्रयोग से हमने परावर्तन के दोनों नियम को समझ लिया। तो बच्चों, अब हम इस दर्पण को घुमाकर देखते हैं कि इस परावर्तित किरण पर क्या फर्क पड़ रहा है। इसके लिए मैं आपतन कोण के मान को 20 डिग्री रखती हूँ। अब देख सकते हैं बच्चों कि जब मैंने आपतन कोण का मान 20 डिग्री रखा है तो परावर्तन कोण भी कितना है, 20 है। अब मैं इस चांदे की सहायता से इस दर्पण को घुमाती हूँ। मैंने इस दर्पण को 10 डिग्री पे घुमाया। अब देख सकते हैं बच्चों, ये परावर्तन कोण का मान कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। पहले तो 20 डिग्री था, अभी 40 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस दर्पण को 10 डिग्री पे घुमाया है, और 10 का डबल कितना होता है, 20।
इसका मतलब इस परावर्तन कोण पे 20 डिग्री और बढ़ गए हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए 40 डिग्री। यदि मैं इस दर्पण को 10 डिग्री और घुमाऊं, मतलब पहले की स्थिति से अब ये कोण कितना हो गया 20 डिग्री मैंने घुमाया है। पहले अपतन कोण का मान 20 था, परावर्तन कोण का मान 20 था। अब मैंने इसको दर्पण को 20 डिग्री घुमा दिया, 20 का दुगना कितना होता है बच्चों 40। तो इस 20 अंश में, इस 20 डिग्री में 40 डिग्री और बढ़ गए, इसलिए परावर्तन कोण का मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो बच्चों इस प्रयोग में हमने पाया यदि हम समतल दर्पण को किसी कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण भी घूम जाती है। यदि मैं इस समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा रही थी तो परावर्तित किरण दुगने कोण अर्थात 20 डिग्री से घूम रही थी, और जब मैंने इसे 20 डिग्री पर घुमाया तो परावर्तित किरण 40 डिग्री पर घूम गई। इसका मतलब ये है कि किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण दुगने कोण अर्थात 2 थीटा से घूम जाती है।